मिन इबादिन व नदी इलासरात मस्तकीम और बशर के लिए पीछे था बशर किसी किताब हकूत नबूत दे यहाँ लिख रहा है बशर के लिए अल्लाह उससे कलाम करे सिवाय वही के ज़रिए या पर्दे के पीछे अमर हिजाब और रसूला या भेजेगा रसूल को फ़ै है बीनी मा याशा बस वो वही करेगा उसकी इजाज़त से जो अल्ला चाहेगा जब वह जो वह चाहेगा इन्लियम बेशक वो अल्ला और हमत वाला है देखिए यहाँ फिर मैं एक दोबारा एक चीज़ पढूंगा। पढ़ूँगा गौर करे कौन बताएगा व माँ कानी बशरिन और बशर के लिए नहीं है अल्लाह उससे कलाम करे एक तरीक़ा है सिवाय वही के ज़रिए और दूसरा तरीका हैजाब और तीसरा सर रसूल फ़ैबीनी माँ यशा बस वह वही करेगा रसूल भेजेगा और रसूलान के वही करे जो वह चाहेगा ये तीसरा तरीका है ये दूसरे तरीके पे गौर करें आप औ में वरा हिजाब इसमें क्या खास बात है में वरा हिजाब में क्या खास बात है पर्दे के पीछे जरूर नहीं आ रही सर कौन है ये जी जी हाँ मरियम ने क्या कहा था मैंने मैंने कहा था पूरे कुरान मजीद में मरियम ने हिजाब किया और यहाँ अल्ला कह रहे जब हिजाब करोगे तो उस पर्दे के पीछे अल्लाह कलाम करेगा यहाँ लिखा है वमा कानश और नहीं ये बर्शे की अल्लाह उससे कलाम करे बातचीत करे सिवाय वही के जरिए अव हिजाब या पर्दे के पीछे से जिस जिसपे मैं थोड़ा तो जज्बात में बोला था कि आप अगर जिंदगी में वो हिजाब नहीं रखे ये गाउन पहन के बैठ गए या जनाब कपड़े पहन के सामने हिजाब में हिजाब वो है कि ये पहनना जरूरी है कपड़े पहनना सब कुछ सही है डिग्री पहनना लेकिन आप सुन किसकी रहें सुन किसकी हिजाब वही नहीं है यानी कि आपको लग रहा है ऐसा पर्दा पहनो बनाओ कि अल्लाह उसके पीछे से बात करेगा जब हजरत मरियम ने वो हिजाब किया जकरी उनके वालिद इमरान इस्लाम और मूसा आरू ये पैगंबर लोग हैं नेक लोग हैं उनके अलावा हिजाब किया तो अगर आप हिजाब करेंगे लोगों से जो कि झूठे बातें कर रहे हैं झूठी बातें कर रहे हैं तो फिर अल्लाह कलाम करेगा आपको उस पर्दे के पीछे से वो आपने हिजाब करना है तो अल्लाह के नाम के साथ हिजाब आया या कुरान में और हजरत मरीम के साथ हिजाब आया तो हजरत मरीम ने जो हिजाब पूरा कुरान में किया है वो हिजाब आपको करना है तो अल्लाह उस पर्दे के पीछे से आपसे कलाम करेगा और अगर आप दूसरों की बातें सुनते रहेंगे जैसे अभी बोल रहे हैं आपस में तो कभी भी काम नहीं करेगा तो कभी भी अल्लाह से अगर आप अल्लाह की बात समझना चाहते हैं अल्लाह कलाम समझना चाहते हैं अल्लाह की आयत को समझ जाते हैं तो आपको हिजाब ऐसा बनाना है कि दुनिया कुछ भी कहती रहे उसको अगर सुनाई भी दिया तो उसको ईमान ना लाए उसको अपना अकीदा मत लें और बार बार मत सुने क्योंकि बार बार सुनने से तो अकीदा बन जाता है आयात को अल्लाह कह रहा है बार बार पढ़ो बार बार सुनो बार बार कुरान को पढ़ो ताकि अकीदा कुरान की आयत की रूह का बने जब वो बनेगा तो आपको अल्लाह की बात समझ आएगी तो यहाँ पर तीसरा जो तरीका है अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ तीसरा तरीका और युर्सिला यह भेजता है रसूल को अल्लाह कलाम करने का तरीका बता रहा है यदि एक तो बोल है वही के जरिए मैं वो समझा नहीं रहा हूँ दूसरा उसके पर्दे के पीछे मैं समझा दिया कि लोग बातें सुनने छोड़ दें आप अल्लाह की बात सुने और तीसरा और युर्सिला रसूलन ये भेजता है रसूल को बस वो रसूल आन के वही करता है जो अल्लाह चाहता है ये रसूल कौन सा है रू रूह अल्लाह अपनी रूह भेजता है ये जो मैं आपको जैसे मरियम ने जब हिजाब किया था फरसल इलाहा रूहाना फिर हमने भेजी अपनी रूह उसके पास हजरत मरियम ने हिजाब किया यही आप हिजाब करें तो अल्लाह कह रहा है और युस रसूलन या भेजता रसूल को

और इसी तरह हमने वही की तेरी तरफ़ और रू को हमारे हमारे अमर से माँ कुन तू नहीं अदराक रखता था किताब और ईमान लेकिन हमने बना दिया उसको रोशनी हम जिसे चाहते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं और तू ज़रूर हिदायत देता है सरात मुस्तकीम की तरफ अब यहाँ पर एक बात दो तीन बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने की वो ये है कि ये बशर कौन है ईसी सलाम ने जिसकी विशार दी थी वो कौन है बशर तो ना वो याद रखे बशर है रसूल के साथ उसी बशर का जिक्र हो रहा है ये कुरान में कुरान में जो बशर प्रेजेंट टेंस में वो ही अहमद है बशर कोई और नहीं है ये वही है तो अल्लाह कह रहा है इसी तरह हमने वही की उस बशर की तरफ इलेक्का और रूह को हम हमारे अमर से रसूल के साथ आएगा ना रूह के साथ आएगा यहाँ पर रूह आ रही है वह कदायली कदायली का वाहिना इलाईका हमने इसी तरह वही की इलाही का तेरी तरफ रू को हमारे अमर से अल्लाह वही कर रहा है हम वही कर रहे हैं अल्लाह कर हमने वही की इलाही का उस बशर की तरफ रू को उसकी स्प्रिट को उसकी जो असल एसेंस है हमारे अमर से फिर कहता है माँ कौन था तद्दीम किताब वालिमान तू किताब ईमान जब रू आती है तब बदलता है किताब में क्या लिखा हुआ है किताब सब थोड़ी आ रही है किताब तो पढ़े जाए तो कुछ समझ जब, जब रूह आएगी इसके इसकी रूह आएगी तो अल्लाह कहे तुम्हें पता तू तुम क्या जाने किताब क्या था और ईमान क्या था और जब रूह आ गई तो किताब भी चल गया और ईमान क्या है फिर कहता है इन किलन नूरन और हमने इसको बना दी रोशनी रोशनी देख सकते हैं हम नादी मन नशा ना में निभा ना हम जिसे चाहते हैं अपने बंदों में से हिदायत करते हैं हम जब रोशनी हो गई ना अंधेरा हो जाए नजर कुछ यार अब लाइट नजर आ गया तो अल्लाह कहते हैं जब रूह आ जाती है रूह जब आती है जब मैंने कहा हिजाब करेंगे आप तो अल्लाह वही करता है उस बशर को उस बशर को वही जब कर देता है जब बशर को वही कर देता है रूह को हमारे अमर से तो उसको किताब पता चलता है किताब में क्या लिखा है ईमान क्या होना चाहिए वो पता चलता है और उस रूह से अल्लाह कह कहरा हम बनाए थे लेकिन बनाए थे उस रूह को रोशनी बना दी भी मन रशाओं में निभा ना हम उसके साथ अपने बंदों में से जिसको चाहे हिदायत दे देते दे हैं दे और तू बशर ये कौन सा बशर हो गया रूह के साथ अहमद जरूर हिदायत करता है स़रात मुस्तक मित्र अच्छा ये यहाँ पर यह वकदायली काइना का जो है का जो है कहा रेफर कर रहा है ऊपर बशर को बशर से अल्लाह ने खतरा वमा काना लिबा शरीन बशर को अल्लाह कह रहा है वक़दायली वा का वाहन इलाई का हम में नाम अब ये एक बात बड़ी यहाँ पर इतनी सी इतनी सी बात समझ जाए मैं आगे बात बताऊँ इसी तरह ये ऊपर जो तीन तरीके बताए इसी तरह हमने वही की वही की बशर को बशर मतलब का मतलब बशर ऊपर बशर लिखा है उस बशर की तरफ कहा गया रूह हम भी नाम रूह उसके अंदर रूह थी हम सब के अंदर रूह है रूह तो हम सब के अंदर है ना वो जो बशर है उसको लग रहा है हमने वही की जो उधर अहमद है वह कदा है वही ना इलाहीिका हमने वही की इलाही का उस बशर की तरफ इलाही का इलाही का तेरी तरफ रू को हमारे अमर से तो एक तरह से रू जो उसके अंदर थी उसको वही कर दी समझ आ रहा है आपके अंदर भी रू है सबके अंदर रू है लेकिन वही नहीं हुई भी उसमें व तो फी ही मर्रू ही हमने सब बशरों में रू फूक रखी है वही नहीं हो रही है वही नहीं हो रही है, है। याद रखो वो सब में रू है यहां पर अल्लाह कह रहा है हमने उस बशर के अंदर रूह को वही की हमारे अमर से क्योंकि वही सालू नाकानी रूह वो तुमसे सवाल करते हैं रूह के बारे में रूह मिन कह दो रूह जो है हमारे ऑर्डर से यहां कह रहा है वकैली वही ना इलाई का इसी तरह हमने वही की तेही था मिन अमरी रूह आई हमारे ऑर्डर से उस बशर के अंदर जो रूह है उसको उसने वही करी उस बशर के अंदर जो वही उसको अल्लाह ने वही की जब वही की तो कहता माँ कौन था अल ईमान तू क्या दाग रखे किताब अल ईमान और इस रूह को अल्लाह बताता बला किन जाल नूरन हमने उसको बना दिया नूर नादी भी मन नशाओं में निभा ना तो अब ये जो किताब और ईमान उस बशर को पता ही चलेगा जब उसको किताब तो थी जैसे नबीव किताब दी थी नबीव किताब दी थी और फिर रसूल आया रसूल न तस्दीक किया तस्दीक की रसूल आए और तस्दीक की थी ना इसी तरह तो यहाँ अल्लाह कह रहा है जब रूह हमारे ऑर्डर से आई तुझे क्या था? किताब और ईमान यानी उस रूह के बाद किताब का अतराक हो गया ईमान हो गया है ना ईमान हो गया अतराक हो गया ओवला कि जालना नूरन और इस रूह को हमने बना दिया रोशनी रूह को हमने बना दिया रोशनी हम जिसे चाहते हैं अपने बंदों में से इसके साथ नादी भी मन नशाओं में निभाते हम इसके साथ जिसको चाहते हैं हम हिदायत करते हैं और तू वही न का लतादी ला सरात मस्तक पहले तो उससे कलाम किया उसके पास रूह आई फिर कहता है तू अब हिदायत दे रहा है सिरात मुस्तकीम की तरफ वो बशर अहमद अब वो हिदायत दे रहा है सिरात मुस्तकीम की तरफ क्यों उसके पास रूह आ गई किताब पर चल गया उसको उसको ईमान पता चल गया आप बात समझ रहे किताब पर गया ईमान पता चल गया लेकिन एक ख़ास बात समझें कि जब उसके पास किताब और किताब और ईमान जब अल्लाह क्या तुझे इतराक नहीं था किताब और ईमान का किताब तो थी उसके ऐदराक नहीं था किताब ईमान का हरेक के पास किताब है ऐतराक नहीं है लेकिन जब अल्लाह ने वही करी रूह कर रूह हुई तो एक तरह से कंफर्मेशन हुई उसको पता चला इसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो उसको नूर का ने रोशनी तो उसको हम क्या कह सकते हैं सी लगी उस पर नहीं लगी मोर लगी नहीं लगी इस बंदे पर मोर लग रही है अहमद पर यहाँ मोर लग रही नहीं लग रही लग रही है ना वेरीफाई कर रहा है ना किताब नहीं पता तू ईमान नहीं पता किताब ईमान जब पता चला जब वुरू आई तो वो उस बशर के साथ आएगा ना वो ज़्यादा तारीफ बशर के साथ आ रहा है कौन रसूल तो जब यहाँ पर रसूल आया और वही करिए किताब ईमान पता चला तो एक तरह लग रही है मोर तो यहाँ लिखा वला किन जाल नूरन उसको हमने बना दिया रोशनी तो वो नूर यहाँ से आया नूर ये देखिए नूर लिखा हुआ है वला किन जालना नूरन हमने बना दिया उसको रोशनी नहरी भी मन नशाओं में निभाते दे हम इसके साथ जिसको चाहते हैं हम हिदायत करते हैं और भी जगह लिखा है मुनी नूर तो वो बताना चाह रहा हूँ वो रूख अल्लाह ताला रोशनी जहाँ बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं मोहम्मद रसुल्ल नूरानी हो गए रोशनी मैं डानी कर रहा रोशनी रौ, रौ, है लेकिन जो फ़िरका जो नूरानी फ़िरका है उस की मैं फिरकेप्ट बता रहा हूँ वो बशर नहीं मानते उसको हम भी हम भी कह रहे हैं बशर के साथ है वो हम भी रोशनी उनको नूर कह रहे हैं रूल रमीन रूल खुद जब बशर के साथ हैं तो वो मोहम्मद तारीफ के अब रसूल हैं तारीफ़ के काबिल रसूल हैं तल्लगी रूह है की भाई वो तो मेरे लिए तो जब भी तो अरदल मोहम्मद रसुल्ल कहते हैं आजान में हम क्या कहते हैं अल्लाकबाला अकबर अल्लाह भकब अल्लाकबर अरशद लाही ब्ल्ला एक है और फिर अरशद महम्मद रसोल्ला मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए हैं वो जो रसूल है अल्लाह के वो हमें समझा रहे हैं मोहम्मद रसोल्ला अरदुल्ना मोहम्मद रसूल आप गवाही दे रहे हैं मोहम्मद रसूल रसूल्ला पता है नहीं मोहम्मद रसोल्ला कौन है अरे भाई अशद गवाही पता है किसको दे रहे हो तुम मोहम्मद रसोल्ला के बारे में गवाही दे रहे हैं नमाज में आप आप जानते हैं मोहम्मद रसोल्ला के बारे में मोहम्मद रसोल्ला के बारे में तो नहीं जानते आप अल्लाह के रसूल के बारे में नहीं है Muhammad, और कभी किसी ने सुना मोहम्मद नबी उल्लाह अशहदान न मोहम्मद नबी उल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना वो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुनते आ रहे हैं मैं गवाही खींच दे अशहदान न मोहम्मद रसूलुल्लाह वो इसलिए कि वो अल्लाह की रूह हमेशा वही वही रूह चल रही तमाम अंबियाज रिलेटेड तो मोहम्मद रसुल्ला इज नॉट अमूमन ये याद रखें आप बट ही इज विद अूमन बींग ही इज नॉट विदाउट ह्यूमन बींग ऑल्सो क्योंकि अल्लाह का बंदे से ताल्लुक है रूह शुरू में ही डाल दी थी उसने फनाफा तो फिर अगर वो ना डालता रू तो अल्लाह समझ किताब समझ नहीं सकता था लेकिन रूह को वही करना वो वो वही करना अलग चीज़ है डालना आपने डाल तो दिया उसने ऐसी बात है एक, 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 प्रेगनेंसी तो हो गई लेकिन बच्चा बड़ा ही ना हो रहा एक समझाने मेटाफोरिकल बात कर रहा हूँ मैं अब जब उसकी प्रेगनेंसी हो गई उसको फिर अब गसा भाई बड़ा हुआ बड़ा होना चाहिए उसको आपने बस डाल रखा है और दुनिया में सुनते जा रहे हैं वो वही अल्लाह तो रू डाल रखी है आपने कोई उसको वो नहीं किया पढ़ा या समझा कि अल्लाह हमसे कलाम कर ले कम्युनिकेट कर ले बात कर तो जाए ताकि आपके अंदर वो चीज़ रू वही हो जाए आपके अंदर या उससे नाजिल हो जाए आपके ऊपर ताकि आपकी वजात हो जाए ये ऐसा नहीं हुआ एक मैं पढ़ देता हूँ फुसरत फ़ोटी वन और उसकी छः आयत आम बशर में और एक उस बशर में क्या फ़र्क है कुल इनमा ना अना मिस्र मिस्तुकुम यू हा इमा इलाकुम इला वाद फस्तकीम इलाह वस्तफ़िर कह कहते कि मैं बेशक तुम्हारी मिसल का एक बशर हूँ पर मुझ पर वही वही की गई है बेशक तुम्हारा इलाह वाहिद है बस तुम बस तुम उसके लिए कायम हो जाओ और उससे बख्शिश चाहो और शिर करने वालों उसके लिए तबाही है मतलब आम बशर में और जिस बशर को अल्लाह वही कर दे उसका फ़र्क बता रहा अल्लाह ताला वही मैंने अभी पढ़ी वदायली का वयीना इले का रू हम दिया इसी तरह हमने वही रूह को हमारे अमर से रू तो हमारे अंदर सब के अंदर फनाफ तो फ़ी ही मे रू हई हमारे अंदर रूह फूक रखी अल्लाह ने लेकिन अल्लाह ने उस रूह को वही नहीं किया हुआ जब वही नहीं होगी तो आपकी वो इंस्पिरेशन नहीं होगी आप उससे उससे मुतासर नहीं होंगे आपको पता नहीं होगा अल्लाह क्लाम में क्या लिखा हुआ है तो वही का फ़र्श बशर में लगा था कुल इनमा अनना बशर सब बशर हैं लेकिन इस बशर को अल्लाह कह कह दो ये वही अहमद से गलवार अल्लाह बशर मिसल यू हा इिया वाहिद कि बेशक यू वही की गई लैया मेरी तब अन्नमा एक इलाज है तुम्हारा इलाज वाहिद है फ़र्स्त तकीम हूँ कायम रहो इसके साथ उसकी तरफ उस तकफार करो उसकी और मुश्किल के लिए वैल अफसोस है अब फिर रू का जिक्र आ रहा है रू थोड़ा बहुत और भी आ रही क्यों सारा, सारा है क्योंकि रू ही सारा टॉपिक है रू से, से समझ आता है सूरत ट्वेंटी सिक्स की वन नाइन्टी टू से वन नाइन्टी फाइव व इन नहूल तनजील रब बिलमीन नजर अबीरोमीन अलाकल बी कली तकून मुबीन और बेशक ज़रूर उसको रबालमीन ने नाजिल किया इसके साथ रू अलमीन अमानतदार रू नाज़िल हुई तेरे दिल के ऊपर इसलिए कि तू खबरदार करने वालों में सो जा वाज अरबी जबान के साथ किसके दिल के ऊपर नाजिल हुआ आह वेरी गुड अब समझ में आ गया अल्लाह का शुक्र है अरबी भूबी किस जबान के साथ अरबी भूबी जबान के साथ नाजिल हुआ देखिए बेशक नाजिल के रबल आलमी नज़ला बिरीन इसके साथ रूल अमानत दार रूह वहाँ तो रूल कदस ये अमानत दार का मतलब होता है ट्रस्ट वर्दी या उर्दू में कहेंगे जिस पर आप तवक्ल कर सकते हैं भरोसा वाली यानी भरोसे वाली रूह वहाँ थी मुक़दस ये भरोसे वाली रूल कदस या अमानत दार अलाकल भी का और दिल के ऊपर नाजिल हुई जब दिल पर वो लिताकु ना मिली ताकि तू खबरदार कर अरबी जबान के साथ वाज अरबी जबान के साथ रूह जो होती है असेंस, असेंस जो है किताब लफ्जों के अल्फाज की जो रू है वो दिल पे नाजिल होती है अब आप ये देखिए कि इंसान पिक्चर देख रहा है यह कोई ड्रामा देख रहा है आपको पता ही ये झूठ है आपको पता ही एक्टिंग हो रही है रियल नहीं है लेकिन आप रोते हंसते होता ही नहीं होता है जबकि वो सच नहीं है और अल्लाह की आयत अल्लाह कहता है जब सुनते हैं तो रोते हुए सिज़दे में जा पड़ते हैं यकीन करें नहीं गिर रहे क्योंकि दिल पर रूह जा ही नहीं रही है ऊपर दिल के ऊपर अल्लाह कह रहा दिल जो है वो हो गए हैं जंग लग गए इन पर जंग आलूद हो गए तो ये क्या वजह है कि अल्लाह की आयत न सुनने की वजह है मायनों के साथ कुरान तो लगा के सुन लेंगे आप लेकिन उसकी रूह कोई रूह अंडरस्टैंडिंग उसकी रूह और उसकी समझ और उसका एहसास फिर होते हुए सीधे में गिरे वो आयत आप भूलेंगे नहीं वो आयत आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे से मतलब रेफरेंस याद करेंगे और उस, उसको अपने पास रखेंगे संभाल के कभी सिचुएशन आए तो कभी मैं उसको दोहरा लूँ और हकीकत में हमारे पास सिचुएशन बार बार रिपीट होती है बार बार उसको रिपीट होती है अगर आप उसको याद रखेंगे बार बार दोहराएंगे बार बार दोहराएंगे तो आपको दिल से तरफ होगी अगर दिल से बाउंस हो रही हैं चीज़ें तो इस दिल की जरा पॉलिश की ज़रूरत है दिल को साफ करने की ज़रूरत है भाईजान क्योंकि मैं मैं आपको बता रहा हूँ ये दिल पे जो है ना बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो दिल पे अल्लाह ने उतारा है दिल पर उतरवाने की कोशिश मैंने बता दी दिल साफ़ हो जब आप पिक्चर दे रो सकते हैं और हंस सकते हैं तो जब अल्लाह की आयतों की रूह आप पे दिल पे उतरे तो आपको तो रोना आना चाहिए ना तो अल्लाह कहता भी सूरज जुम्मत थर्टी नाइन ट्वेंटी थ्री उसमें के कि रूमटे खड़े जाते हैं रूंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं जब अल्लाह की आयतें सुनाई जाती है उन्हें वो वाक़ात है ऐसा हदीस किताबम मत शाब मस दौरा दौरा के ऐसे ऐसी अगर जन्नत दोजक़ की दोजक की और ख़ास तौर पर हर वजह की कोई बात सुन ले आदमी तो वो एक एक कैफियत है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, बकर मैं जानता हूँ अगर आपके साथ वो होने लगे तो शायद आप कहेंगे यार शेख साहब के पास बैठे रहो घर नहीं जाने दिल जाएगा चाहे लोग आके आ जाना यार कौरमा खा लेना यार बाद में खाऊंगा दाल खा लूँगा शेख साहब के बैठूँगा कुरान के अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ तो वो इतनी इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन है मेरे अंदर के उस आयतों की रूह है वो तो वो अल्लाह ताला का है असल में वो उसको समझें आप खैर एनी वे अब इसी आयत के नीचे लिखा हुआ है सूरह मोहम्मद सूरह फ़ोटी सेवन दो आयत <गे> वल्लीन वा आमनु वामहत व आम अनु बमान जी महमद व वहक मरबर आनुम सयातम वसला बालम और वो लोग जो ईमान लाते हैं और सही अमल करते हैं और उसके साथ ईमान लाते हैं जो मोहम्मद पर नाजिल किया जाता है और उनके रब की तरफ से हक़ है वो उनकी बुराइयाँ डाल देगा और उनकी हालत सही कर देगा अब यहाँ लिखता है मोहम्मद पे नाजिल किया जाता है रहता है मोहम्मद बशर के साथ है ना खातमनबी ने मोर हैं अब उनके दिल तो अबुज बशर का है मगर साथ वो हैं तो उन पर भी नाजिल किया जाता है जैसे अल्लाह ने भई की रूह को ऐसा नाजिल भी करता है मोहम्मद पर लेकिन ख़ास बात यहाँ ये है कि नुजिला हाँ भाई अरबी साहब नज़िला का मतलब कंटिन्यूस है ना यानी अगर फ़र्ज करिए कि अरबी में ये याद लिख लें नुजिला जो वर्ड अरबी में यहां लिखा हुआ है उसका मतलब बार बार नाजिल होता है अगर मोहम्मद रसूल का इंतकाल हो जाए जैसे कहते हैं लोग तो ये बार बार नाजिल अभी तक कैसे हो रहा है आयत में लिखा है बार बार नाजिल किया जा रहा है वह अमन व बीमान नुजिला नाजिल किया जाता है किया जाता रहता है यानी कंटीन्यूस नाजिल हो रहा है और मोहम्मद में जो तजदीर उसका भी मतलब है बार बार तारीफ़ के काबिल बार बार तारीफ़ के काबिल तो इसे मुहम, अगर मुहम्मद होता मुहम्मद तो बार बार तारीफ़ करने वाला होता मोहम्मद बार बार तारीफ होती है उसकी बार बार तारीफ़ होती है बार बार तारीफ़ होती है और नुजिला का मतलब बताना चाहता था बार बार नाजिल होता रहता है नाजिल किया जाता है वो हक रब की तरह से यहाँ पर बस ये पॉइंट समझाना था कि वो दिल अहमद का है मोहम्मद उसके साथ इन्वॉल्व है तो उस पर भी नाजिल होता रहता है हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मोहम्मद शेख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की बरव्त नोटिफिकेशंस मिलती रहें